कहिए डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है आपकी नई गाड़ी? वो क्या बताऊं जी, इसके इंजन से इतनी गंदी आवाज आती है कि दिल बैठ जाता है। इसी स्कूटर पर मैं अपने एक हार्ट पेशेंट को देखने गया था। वो पेशेंट अच्छा खासा रिकवर भी कर रहा था, इसकी आवाज सुनते बेहोश हो गया। पूछिए पूछिए मंजू से। नमस्ते भाभी जी। भाभी नहीं, ये मेरी नर्स है। कितनी देर होगी वैसे आपको ये नर्स रखे हुए जी? मैं मतलब ये गाड़ी रखे हुए। अभी तो 4 महीने भी नहीं हुए, वारंटी पीरियड में है। वो तो ठीक है, लेकिन आपने पहली सर्विस पर क्यों नहीं बताया? बताया तो था, आपने कहा था दूसरी में ठीक हो जाएगी। दूसरी में लाया तो आपने कहा था तीसरी में ठीक हो जाएगी। वो तो हमने इसलिए कहा था कि पहली सर्विस करवाने के बाद दूसरी करवाने को आता ही नहीं, आप तीसरी बार भी आ गए। अजीब आदमी हो आप। क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं मतलब मैं डॉक्टर साहब, आप ना गाड़ी बहुत ही कम चलाते हैं। मैंने देखा था वारंटी पीरियड भी पूरा नहीं हुआ। अभी है ना वारंटी पीरियड, इसीलिए मैंने सोचा फ्री सर्विस करवा लो। अभी तो 60 किलोमीटर भी बचे, मैंने कहा बाद में कहीं नुकसान ना हो जाए। नहीं नहीं, नुकसान नहीं होने देते आपका। डेविड, मेरे घर वालों ने कहा भी था कि शनिवार को घर में लोहा मत लाओ। वही बात हुई, डिफेक्टिव पीस निकल आया। क्या हो गया? ये डेविड है? वो वैसे जरा एक्सीडेंटल पीस है, वैसे हमारे टॉप मैकेनिक है। सारी बुलाया आपने? हाँ, जरा ये डॉक्टर साहब की गाड़ी चेक करो। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही जो हमें अक्सर आती है, वारंटी पीरियड में गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा अच्छा, अभी तो वारंटी पीरियड बहुत पड़ा है, 60 किलोमीटर पड़े अभी तो। आई डॉक्टर साहब गाड़ी चेक करके आते हैं। किशोर, अजय भाभी जी को कुर्सी ला दे। भाभी नहीं, मेरी नर्स है। अच्छा, आइए जी, आइए आइए, अब यहाँ बैठे। डॉक्टर साहब, मुझे तो गाड़ी ठीक ही लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही गाड़ी में। पर ये आवाज तो आ रही है, घू घू घू। ये आवाज तो आपके मुंह से आ रही है डॉक्टर साहब। नहीं, मैं तो तुम्हें बोल के दिखा रहा हूँ कैसे आती है। अच्छा अच्छा, ध्यान से सुनो। ओ, कोई नहीं, देख लेते हैं डॉक्टर साहब। खोल के चेक कर लो। खोल कर भी चेक कर लेंगे डॉक्टर साहब, पहले जरा चला कर तो चेक कर लें। अब तो आवाज आ रही है। कौन सी आवाज यार, अब तो साफ आ रही है। ओ नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो पीछे से ट्रक की आवाज है। आप जरा ध्यान से सुनो भाई। डॉक्टर साहब, दरअसल यहाँ शोर बहुत है। मेरा ख्याल है हम एयरपोर्ट की तरफ चले हैं? एयरपोर्ट चलते हैं। बड़ी देर कर दी डॉक्टर साहब ने। आप कुछ ठंडा वंडा पी लें। नो थैंक यू, मेरा गला खराब है। वो तो कोई बात नहीं, आप बाद में दवाई खा लेना, डॉक्टर साहब तो आपके घर के ही हैं। पता नहीं कब आएंगे डॉक्टर साहब। वो तो बस डेविड गया ना जी, अब तसल्ली करवा के ही लाएगा। अब तो साफ सुनाई दे रही है आवाज। ये आवाज तो सड़क से आ रही है डॉक्टर साहब। घटिया तार को इस्तेमाल करते हैं ना, पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। मुल्क की नहीं, मैं स्कूटर की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है किसी पुरानी सड़क पर ट्राई करें डॉक्टर साहब, वहाँ ज्यादा पता लगेगा। पुरानी सड़क किधर मिलेगी आप? अरे डॉक्टर साहब, पुरानी सड़कें पुरानी दिल्ली में मिलेंगी, क्या बात है जी पुरानी सड़कों की। डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया। लो आई गए। अच्छा भाजी आप आ गए, भाभी जी आपकी वेट। कितनी बार कहा है कि ये भाभी नहीं है। वो मेरी ना यादाश्त थोड़ी कमजोर है। अच्छा, पता चला कुछ नुकसान जी? उस्ताद जी, इंजन खोलना पड़ेगा और शायद कुछ पार्ट्स भी बदलने पड़े। तो टोटल खर्चा कितना आएगा यार, एस्टिमेट बना लो। यही कोई 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे डॉक्टर साहब के। मेरे मेरे क्यों लग जाएंगे, मेरी गाड़ी तो अभी वारंटी पीरियड में है। नहीं नहीं, थी जब आप सुबह आए थे ना, अब तो 20 किलोमीटर ऊपर चल गई है। Thank you.